करण जौहर एक दमदार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, ये तो हम सभी जानते हैं। इनकी लगभग सारी मूवीज में हमें लव ट्रायंगल स्टोरीज ही देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्ताना मूवी में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए आज भी उनकी काफी तारीफ की जाती है। दोस्तों, करण एक ऐसे प्रोड्यूसर्स में से एक है जो अपने मन की करते हैं, जैसे कि उन्होंने दोस्ताना फिल्म में किया था। करण जानते थे अगर अचानक ऑडियंस के सामने थर्ड जेंडर के बारे में कुछ बात की जाएगी तो लोग इस फिल्म को नहीं देखेंगे और जरूर ही ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। फिर उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी टॉपिक को यूज करने का एक अच्छा आइडिया इस्तेमाल किया था। करण काफी अच्छे से जानते थे कि उन्हें कब, कहां और कौन सा सीन दिखाना है, इसलिए उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक प्रेम कहानी दिखाई, जिसके साथ साथ उन्होंने हल्के फुल्के सीन में होमोसेक्सुअलिटी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीन्स भी डाले थे। लेकिन दोस्तों, उस फिल्म में ज्यादा कुछ सीन नहीं थे जो लोगों को अच्छे ना लगे। करण एक ऐसे प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि ऑडियंस सिनेमा हॉल में क्या देखना चाहती है, और शायद इसीलिए करण जौहर तैयार हैं दोस्ताना मूवी के सीक्वल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द हमें दोस्ताना 2 भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्ताना फिल्म के ऐसे कुछ अनसुने फैक्ट्स हैं जो क्लियर बताते हैं कि सच में करण जो चाहते हैं वो अपने कलाकारों से वैसा ही करवाते हैं। वही दोस्ताना फिल्म का वो सीन सभी को अच्छे से याद है जिसमें जॉन अब्राहम ने पीले रंग के शॉर्ट्स पहने थे और उनका वो लुक इतना फेमस हुआ था कि सारी लड़कियां जॉन अब्राहम की दीवानी हो गई थी दोस्तों। लेकिन उस सीन को पॉपुलर करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ करण जौहर का ही हाथ है। जब ये बात जॉन को पता चली थी कि उनका एक सीन है जिसमें उन्हें समुद्र से बाहर निकल कर आना है, वो भी सिर्फ एक येलो कलर के शॉर्ट्स में, तो वो इतना सुनते ही जॉन अब्राहम चौंक गए थे। जिसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर करण जौहर से बात की और उन्हें कहा कि वो येलो शॉर्ट्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और वो सीन को करने के लिए ब्लैक शॉर्ट्स चाहते हैं। जिसे सुनते ही पहले तो करण ने उन्हें डांट लगाई थी, उसके बाद उन्हें ये ऑर्डर दिया कि शूटिंग तो पीले शॉर्ट्स में ही होगी, और आज उसी ऑर्डर की वजह से जॉन अब्राहम को इतना फेम मिल चुका है। दोस्तों, उस मूवी में सिर्फ जॉन की एक्टिंग की तारीफ नहीं हुई थी, उस फिल्म में हर चीज पर लोगों की नजर थी, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग से तो खुश हुए ही थे, साथ ही साथ उनके स्टाइलिश लुक के भी दीवाने हो गए थे। प्रियंका चोपड़ा को इस मूवी से देसी गर्ल का टैग मिला था और उनका वो इंडियंस के सम्मान में गया डायलॉग भी दोस्तों आज काफी ज्यादा फेमस हो गया है। और वो डायलॉग था, इंडियन आदमी जहाँ भी रहे, कुछ भी करे, हमेशा इंडियन ही रहेगा। और तो और दोस्तों, जिस तरह के स्टाइलिश लुक और मेकअप प्रियंका चोपड़ा को दिए गए थे, प्रियंका खुद उनकी फैन हो गई थी और कुछ दिनों तक तो वो उसी रोल में भी रही थी। दोस्तों, देसी गर्ल वो गाना है जिस पर आज भी लोग उसी जोश के साथ डांस करते हैं जिस जोश के साथ उन्होंने पहली बार किया था। लेकिन जब मेगस इसके हुक स्टेप्स के बारे में सोच रहे थे तब डांस कोरियोग्राफर फराह खान को ये आइडिया आया और उन्होंने हुक स्टेप को उसमें ऐड कर दिया था, जिसके बाद मानो उस स्टेप के बिना देसी गर्ल सॉन्ग अधूरा सा लगने लगा था। वैसे दोस्तों, सब में बॉबी देओल पीछे कैसे रह सकते हैं, सभी जानते हैं कि बॉबी देओल ने दोस्ताना मूवी में कैमियो किया था और उनकी एक्टिंग देख लोगों को इतना गुस्सा आया था कि उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया गया था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी कि अब से वो ध्यान रखेंगे और वही मूवी करेंगे जिसमें लोग उन्हें देखना चाहेंगे। कह दोस्तों, ये तो थी बीती बातें, पर अब मेकर्स इस फिल्म के सीक्वल को लाने में लगे हुए हैं जो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं कि इस बार मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।